लेकिन आप प्रोफेसर शर्मा आप सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और सौतेला व्यवहार कर रहे हैं सॉरी बहुत ही सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप गौतम अदानी जी के प्रति आपको लगता है कुछ पर्सनल गरज है कोई पर्सनल लड़ाई है मैंने तो उनके ऊपर एक भी सवाल नहीं किया मैं तो केवल फैक्ट दिखा रहा हूँ नहीं आपको मैं मुकेश जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे एक शब्द नहीं बोल रहे मैं मुकेश और मैं ना अदानी की बात कर रहा हूँ ना मैं तो केवल और केवल भारत देश में 140 करोड़ जनता दुनिया की 15% पॉपुलेशन जो मात्र 3% दुनिया हमारी जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो 15% है दुनिया का परंतु हमारी जो जीडीपी है वो दुनिया की जीडीपी का मात्र 3.5% है लेकिन आप एक मिनट सुनिए आप इस देश की जनता को बुरा भला मत कहिए और हम जान रहे हैं कि आप बुरा भला नहीं कह रहे हैं लेकिन हमारे देश के प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट स्तर के ब्लॉक स्तर के जितने महान छुटभैये नेता हैं वो समाज के कुछ पढ़े लिखे प्रोफेसर कुछ वकील कुछ डॉक्टर ये सब जो मिलकर के बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित पिछड़ा अगड़ा सवर्ण हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन खतरे में देश मुसलमान का को अपीजमेंट ये सब जो चलता है नारा तो वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना उनको क्या लेना देना है कि भाई अडानी का गोदाम बन गया है और गोदाम में माल लिया जा रहा है और ये जो गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को जो खिलाया जा रहा है उस सप्लाई का एक दूसरा नेटवर्क बन रहा है फिर कभी एक्सपोर्ट करना है तो वहां से उसी गोदाम से एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर उनका जो शेयर है वो एकाएक जंप कर जाएगा और फिर उनके पास वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन होगा और फिर दो लोगों के हाथ में वेल्थ चला जाएगा ये वेल्थ जो है फिर उधर ब्लैक रॉक के पास चला जाएगा फिर ब्लैक रॉक जो है फिर वर्ल्ड बैंक को भी फंड करेगा फिर वर्ल्ड बैंक जो है सो आरटीपीसीआर टेस्टिंग में पैसा लगाएगा फिर आरटीपीसीआर टेस्टिंग के बहाने फिर बाकी चीजों में वैक्सीन वगैरह में पैसा लगेगा फिर वैक्सीन वगैरह का तांडव होगा फिर बहुत सारी चीजें होंगी फिर फार्मास्यूटिकल्स बनेगा फिर लोग बीमार पड़ेंगे फिर लोग हॉस्पिटल जाएंगे इस तरह से चेन चलता रहेगा लेकिन हमारे जो छुटभैये लोग हैं इस देश के मुट्ठी भर करोड़ नहीं मुट्ठी भर छुटभैये इलिटरेट इडियट्स नॉनसेंस जो कि लोगों को तुम दलित हो तुम सवर्ण हो तुम ओबीसी हो सवर्णों ने ये किया दलितों ने ये किया ओबीसी ने ये किया मुसलमानों ने ये किया हिंदुओं ने ये किया हिंदू राष्ट्र फासिज्म नॉन फासिज्म लेफ्ट राइट सेंटर ये जो इतना सुंदर विचार है इतना सुंदर विचार हर चौक चौराहों पर चलते रहता है तो उन्हें क्या लेना देना है अडानी से बन जाए ब्लैक रॉक वाले पैसा लेके लूट लेके लेके चले जाएं हमें क्या लेना देना है ऐसी महंगी महंगी बात करते हैं शर्मा जी आप कि ये पॉलिटिशियन को कंट्रोल करते हैं यही बीजेपी को कंट्रोल करते हैं यही कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं यही फर्जी आम आदमी पार्टी जो ढकोसला है पापी इस देश का सर्वथा सबसे बड़ा पापी राजनीतिक पार्टी